है अपना सीजीसी, अपना नहीं मतलब है तो किसी और नेट प्रैक्टिस के लिए। यह एग्रीकल्चर की खेती होती है और भाई साहब हवा लेकिन काफ़ी खतरनाक लग रहा है। मॉर्निंग गाइज, और हमारा ये चंडीगढ़ में दूसरा दिन है और मैं अभी फिलहाल जो है सुबह सुबह चल रहा हूँ नाश्ता के लिए और ये है लोकेशन। फिर यार 5-3 से नीचे उतरना पड़ेगा। ये है कुछ मिस का यहाँ का नज़ारा। चलिए यहाँ दिखाता हूँ आज के नाश्ते में क्या है। तो ये रहा अपना आज का नाश्ता, ये छोला और ये पाव और ये दूध। और हमारे यहाँ भाई लोग क्या भैया जी नाश्ता कैसा है? बढ़िया भैया। है बढ़िया बढ़िया। नींद लग रहा है अभी और सोना? नींद मैं 4 बजे सोया हूँ भैया। पाकिस्तान के लिए कल बात कर रहे थे कैसे उसका देखना है। तो सुबह सुबह का जो नाश्ता है वो हो चुका है एंड अब नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा टहल रहे हैं। तो ये है भैया का एक्स हॉस्टल, हिमालय बॉयज हॉस्टल, और ये है कुछ यहाँ के नज़ारे और ये बिल्डिंग कॉलेज। अरे यहाँ हाफ पैंट गैंग वालों की आतंक मची हुई है। ये रहे आतंक वाले, हमारे भैया जी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आसपास पूरा एकदम खुला एरिया है तो हवा एकदम खतरनाक आता है। तो मैं आपको छोटा सा जो टूर है वो करवा रहा हूँ इस कॉलेज का। हाँ अच्छा, ब्लॉक 1। जिन लोगों को एक चीज़ पता नहीं हो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मतलब गाने के जो शूट है वो हो चुके हैं, है ना भैया? हाँ। फॉर एग्जांपल जैसे जस्सी गिल की गाना है एक नखरे। अच्छा। उसके अलावा सेरेमान का गाना है हॉस्टल। अच्छा। पूरा यही शूट हुआ है, A to Z फुटेज यहीं का। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे बहुत सारा जो सॉन्ग है पंजाबी सॉन्ग हिट सिंगर का यहाँ पे जो शूट है वो हो चुका है। एंड ये है कुछ यहाँ के नज़ारे, काफ़ी मस्त लग रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मेरा तो सरकारी है पटना से BA। भैया अपनी कॉलेज हॉस्टल के बारे लाइफ बता दो थोड़ा सा। पास हॉस्टल लाइफ सही है, कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छा कुछ हद तक सही, मतलब हॉस्टल औसम था, कॉलेज बराबर था। बराबर ही था। अच्छा बराबर ही था, एवरेज था, एवरेज था ना ज़्यादा। अच्छा भाई साहब बहुत खतरनाक बह रहा है यार। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और ये है कॉलेज का मेन गेट, थैंक फॉर योर विजिट, बट अभी निकल नहीं रहा है, जब निकलेंगे तभी ये ध्यान देंगे। हाँ अच्छा, हाँ ये रहा कल आपको बता रहा था। ये है अपना CGC, अपना नहीं मतलब है तो किसी और का, लेकिन अपना कॉलेज हो गया आपसे। कैसा लगा मेरा मजाक? खैर हमने सुना है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल जो है वो बना हुआ है। अरे ये क्रिकेट ग्राउंड है, नेट प्रैक्टिस के लिए विराट कोहली या एबी डिविलियर्स बनना हो तो यहीं पे। अच्छा खैर चलिए आप और छोटा सा जो हॉस्टल टूर है थोड़ा सा बचा हुआ वो करवा देते हैं। एंड वो क्या है, इस साइड है गर्ल्स हॉस्टल एंड देन इस साइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पैसा निकालिए। समझ रहे हो ना? इसको मुझे टिकटॉक वीडियो डालने देते हैं। कौन सा? कच्चा बादाम दादा, कच्चा बादाम। जा रहे हैं मंदिर की साइड और किस साइड पता नहीं क्या देख रहे हैं। यहाँ एग्रीकल्चर की खेती होती है और अच्छा
अच्छा हाँ हाँ ये रहा मन नहीं हम इस साइड से डायरेक्ट इधर आ गए थे ना तो ये चीज देखे नहीं थे तो जय श्री राम। अब हमारा देश को कृषि प्रधान अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है से मैं रोक नहीं सकता कोई। अच्छा क्यों क्यों, क्यों? खेती अच्छी की जा रही है महिला खेती करने लगी है ये यहाँ पे थोड़ा सा कैंटीन वगैरह है खाने पीने के लिए पैसा मिलता है नहीं पैसा देना होता है पैसा पे काम होता है। ये रहा इसका मेन्यू बोलिए भैया जय श्री राम जय श्री राम भैया जय श्री राम शाबाश बेटा बहुत बढ़िया कपल पॉइंट चल रहा अश्लील है ये लोना अच्छा ये लेट से खाता है अच्छा लेट से ऑफिस जाता है अच्छा लेट से ऑफिस से आता है तो लेट से सोता है अच्छा नाम के आगे भी लेट लगा ले वाह क्या सीन है बहुत ज़्यादा चिल आउट हो चुका है यहाँ बैठ के एंड अब जा रहे हैं बैक हॉस्टल की तरफ तो काफ़ी अच्छा था वैसे दिन कल भी सही था और आज ही मिला जुला के सही ही है हाँ चंडीगढ़ हाँ हाँ चंडीगढ़ वेलकम तो सन्नाटा क्यों है और ये है कुछ टॉपर प्लेसमेंट वाले अच्छा अच्छा बी सी किस साइड है कुमार शिवम आया है नाम कहाँ ओ भैया जी शिवम भैया टॉपर बी सी ए टू 8.73 ओ भैया जी कॉन्ग्रेचुलेशन टॉपर वाले ये है पूरा का पूरी अंदर का नज़ारा पीछे की साइड जो है वो वर्कशॉप्स है एंड ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड यहाँ का यू कुछ ऐसा व्यू ऑफिस ऑफ जितना डायरेक्शन है यहाँ दिखाया गया कि कौन कौन मतलब किस साइड है थोड़ा सा बैठते हैं चिल आउट करते हैं और गांव वाली वाइब लेते हैं यहाँ पे बैठ के सो भी सकते हैं ये है कुछ व्यू और इधर इन्वोकेशन सेंटर है इस साइड में भाई साहब हवा लेकिन काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बैक टू हॉस्टल एंड वहाँ जाके फ्रेश वगैरह होंगे एंड निकलेंगे अब दिल्ली के लिए गिर गया है क्या भाई ऊपर चढ़ते के साथ प्यास लग गया दो घूंट पानी पीते फिर बोतल में पानी पियेंगे ठंडा है एकदम चिल्ड पानी है तो चलते हैं अपने रूम की तरफ कमरा नंबर 510 चलिए थोड़ा सा आपको बाहर का जो व्यू है वो दिखा देते हैं तो ये है सामने की तरफ पहाड़ जो मैं पहले ब्लॉग में आपको दिखा चुका है वैसे अगर आपने देखा तो पता ही होगा आपको और ये पूरा का पूरा यहाँ से आपको हॉस्टल जो है और कॉलेज है वो दिखता है नीचे जो है वो बास्केटबॉल ग्राउंड है एंड इस साइड जो है इसी कूलर वगैरह सब कुछ वक्त हो रहा है 1:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए तो दिखाते हैं कि आखिरकार आज के लंच में क्या है टोटल 6 फ्लोर है इसमें वैसे और टोटल रूम कितने होंगे भैया अंदाज 4200 तो यहाँ सलाद और ये दही और इधर जो है वो चना है
चना का सब्जी और ये चावल रोटी एंड ये नमक। 3 hours later सो रेडी हो चुके हैं फिलहाल और अब जा रहे हैं रिटर्न बैक। तो होप करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। नेक्स्ट जो ब्लॉग आ रहा है वो अब मतलब चंडीगढ़ से दिल्ली तक का आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एंड तब तक के लिए वॉच करते रहिए। एक सेकंड बाहर आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज। थैंक्स फॉर योर विजिट। जय सीजीसी।